YouTube चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देखते हैं कि रात में 9 बजे आपकी क्लास होती है, जिसमें हम कोई कलाकार लेते हैं और उनके जितने भी कलाकारों के चित्र हैं, वो सारे चित्र एक जगह आपको दे देते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने काफी सारी क्लासेस पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट भी बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज हमें पढ़ना है केएस कुलकर्णी, परमानंद चोयल, सोमनाथ कौर और देवकी नंदन शर्मा। ये चार कलाकारों के आज हमें संपूर्ण चित्र पढ़ने हैं। ठीक है, और जो बच्चे चैनल में नए हो, बाद में देख रहे हो, लाइव क्लास में देख रहे हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते जाए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले कलाकार हैं आपके केएस कुलकर्णी। इन्होंने जितने चित्र बताए हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। फिर परमानंद चोयल जो है, इनके जितने भी चित्र हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए, जिसके जितने चित्र इम्पोर्टेंट है केवल उतने ही बताएंगे, फालतू का तीन तूफान नहीं बताना है, फालतू का पहाड़ नहीं रखना है आपके सामने। अगर आपके एग्जाम में पत्थर आना है छोटा सा, तो पत्थर ही आपको दिया जाएगा, पहाड़ देने की जरूरत नहीं है। देखते हैं फिर कौन से है आपके, देवकी नंदन शर्मा, इनके जितने चित्र है ये है, सोमनाथ हो ऐसे ही ये है। तो चलिए अब देख लेते हैं, पहले कलाकार हैं आपके केएस कुलकर्णी, इन्होंने जो चित्र बनाए हैं उनको देखते हैं। तो पहला चित्र है माता व पुत्र, दूसरा है टोकरी लिए लड़की, तीसरा है श्रृंगार, कथावाचक, खेत, बैल, कबाड़ी। जितने चित्र थे इम्पोर्टेंट वो हमने आपको लिख दिए हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, हमें पता है। तो क्या क्या चित्र है, माता व पुत्र, टोकरी लिए लड़की, श्रृंगार, कथावाचक, खेत, बैल, कबाड़ी। तो जितने चित्र थे वो हमने बता दिए। आगे देखते हैं परमानंद चोयल के, उदयपुर की गली, भैंस, चित्तौड़, झोपड़ी के कौवे। तो इनके चित्र किसके हैं, ये चित्र परमानंद चोयल के हैं। फिर से देखते हैं आगे, देवकी नंदन शर्मा के चित्र कौन कौन सा है, शकुंतला का श्रृंगार, मोर तथा कौवे, किसके चित्र है ये, देवकी नंदन शर्मा के हैं। फिर आगे है सोमनाथ हो, ये चित्र इनके कौन कौन से है, द चिल्ड्रन, पीजेंट्स मीटिंग, मदर विद चाइल्ड, द जर्नी, रैकलिनी, वुमेन कंपेनियंस। तो ये चित्र थे आपके किसके, सोमनाथ कौर के। तो अब जल्दी से सुपर फास्ट वे में जल्दी से फटाफट से रिवीजन करते हैं। तो सुनिएगा, केएस कुलकर्णी के चित्र कौन कौन से हैं, माता व पुत्र, टोकरी लिए लड़की, श्रृंगार, कथावाचक, खेत, बैल, कबाड़ी। एक लड़की का कमेंट आया था कि मैम आप बहुत हौच पौच करके लिखती हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये बताइए कि क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लिया करिए। ठीक है, आप लोग कंजूसी करते हैं और फिर दोष देते हैं टीचर के ऊपर कि टीचर की हमें राइटिंग नहीं समझ में आ रही, उनका लेख समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अदर बच्चे भी हैं, वो अपनी क्वालिटी हाई कर लेते हैं तब वो पढ़ते हैं, तब उनको क्लियर समझ में आ जाता है। देखिए बोर्ड का लिखा हुआ है, अब ऐसा तो है नहीं कि डिजिटल बोर्ड हो तो उसमें क्लियर समझ में आए, कम 144 पे भी। तो थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट किया करिए, थोड़ा सा क्वालिटी हाई कर लिया करिए अपनी। ठीक है, दोस्त देने लगते हैं आप लोग तो ये थोड़ा सा खुद से भी सोचा करिए कि बोर्ड का लिखा हुआ है तो थोड़ा हाई स्पीड में देखेंगे, हाई क्वालिटी में देखेंगे, तभी आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो देखिए केएस कुलकर्णी हो गए, अब आते हैं परमानंद चोयल। तो क्या है, उदयपुर की गली, भैंस, चित्तौड़, झोपड़ी के कौवे, ये सब किसके हैं, परमानंद चोयल के हैं। फिर देवकी नंदन शर्मा, शकुंतला का श्रृंगार, मोर तथा कौवे, ये हो गए। फिर लास्ट में है सोमनाथ हो, तो द चिल्ड्रन, पीजर्स मीटिंग, मदर विद चाइल्ड, द जर्नी, रेक्लिनिंग, वुमेन कंपेनियंस। तो ये चार जो कलाकार थे आपके, इनके जो चित्र थे इम्पोर्टेंट वो हमने आपको आज बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाने वाला, हम बार बार बोल रहे हैं, केवल इतना पढ़ लीजिए, इतने से ही आ जाएगा, 99% यहीं से आ जाएगा, बाकी 1% तो ऐसा है कि चलता ही है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कलाकार के साथ। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सो जाइए।